अ ग्रेट फाइटर में विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ को क्यों साइन किया जा रहा है? सलमान के साथ विद्युत जामवाल ने फिल्म क्यों नहीं की? विद्युत जामवाल किस भगवान को मानते हैं? विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ में क्या अंतर है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। विद्युत जामवाल धूमपान नहीं करते हैं और शराब भी नहीं पीते हैं, और इनकी माँ एक पूर्व मिस जम्मू कश्मीर थी। विद्युत जामवाल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फोर्स फिल्म से की थी। फोर्स एक तमिल फिल्म खाका खाका का हिंदी रिमेक थी। उन्हें सूरज बजातिया के फिल्म प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान के छोटे भाई की भूमिका निभाने के लिए पेशकश की गई थी, परंतु अन्य फिल्मों की तारीखों के कारण उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। विद्युत भगवान हनुमान के बड़े भक्त हैं। टाइगर श्रॉफ अपना आइडियल माइकल जैक्सन और ब्रूस ली को मानते हैं। इन्हें मांसाहारी भोजन अधिक प्रिय है। ये भी सिगरेट और शराब को हाथ तक नहीं लगाते। टाइगर श्रॉफ 4 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल दोनों को ही एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। आप इनकी कोई भी फिल्में उठाकर देख लो, उसमें एक्शन की भरमार होगी। अब द ग्रेट फाइटर में इन दोनों को कास्ट किया जा रहा है। ये फिल्म कितनी बड़ी एक्शन फिल्म होगी, इस बात का अंदाजा तो आप इनकी पिछली फिल्मों से ही लगा सकते हैं। टाइगर श्रॉफ का सपना है कि वे स्पाइडरमैन का रोल प्ले करें, और अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक गेस्ट अपीयरेंस देंगे, जो इनके गुरु का रोल प्ले करेंगे। टाइगर का एक्शन दर्शकों ने बागी की पिछली किस्तों में देखा है। फिल्म वार में तो वो दुनिया के नामचीन स्टंट निर्देशक के साथ काम कर चुके हैं। एक्शन में हमेशा दो चीजें होनी चाहिए, थोड़ा सा नयापन और उसका भावनाओं से जुड़ाव। इसीलिए अहमद खान ने कहा कि बागी 3 में हमने एक्शन का स्तर पिछली फिल्मों से काफी बड़ा रखा है। फिल्म के सारे एक्शन लाइव शूट किए गए हैं और फिल्म में कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस फिल्म का डायरेक्शन भी शायद अहमद खान ही करेंगे। विद्युत जामवाल की कमांडो, कमांडो 2, कमांडो 3 के अलावा जंगली, अनजान, फोर्स, ये सारी फिल्में एक्शन से भरपूर थी। इसलिए टाइगर श्रॉफ के अपोजिट विद्युत जामवाल का चयन किया गया है। जॉन अब्राहम की फिल्म फोर्स से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर विद्युत जामवाल ने अपने लुक्स और मस्कुलर बॉडी से लोगों को अपना दीवाना बनाया था, और अब टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल मिल करके पूरे बॉलीवुड को अपना दीवाना बनाएंगे। माना जा रहा है कि इस फिल्म का बजट करीब 200 करोड़ रुपए होगा और इस फिल्म की पूरी शूटिंग विदेशी लोकेशंस पर होगी। कहानी लेकिन इंडियन ही होगी। ये किसी भी हॉलीवुड फिल्म का रिमेक नहीं होगा, बल्कि एक ओरिजिनल कहानी है, एक फोक टेल है। उस पर आधारित है कि एक गुरु दो शिष्यों को ज्ञान देता है, फिर उसके बाद वो दोनों शिष्य किस प्रकार से उस ज्ञान को लेकर के अपना नया जीवन शुरू करते हैं, उसी के बीच रोमांस का तड़का दिया गया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है। क्या ये फिल्म 1000 करोड़ी होगी?